हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम प्रजापति और आज कम दोस्त एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टी आई एफ टेक्नोलॉजीज फ्यूचर में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। ये माइक्रोटेक कंपनी का अच्छी कंपनी का है और जब भी कोई यूज़ करे तो ब्रांडेड ही यूज़ करे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ख़राब पल्स ऑक्सीमीटर भी आते हैं जो जिनका सेंसर अच्छे से काम नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर आखिर काम कैसे करता है। तो पहले इसको अनबॉक्स करेंगे, फिर देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या लेवल रहना चाहिए, सब पे बात करेंगे। तो पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर काम इस तरह करता है, क्योंकि इसमें दो तरह की लाइट इमिट्स होती हैं जो कि उंगली लगाते हैं जब, तो उंगली से पास होती हैं या एब्जॉर्ब होती हैं। इसमें एक रेड कलर की लाइट होती है और एक इंफ्रारेड लाइट होती है। तो जो हमारी रेड कलर की लाइट है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन अच्छा होता है, जिसका लेवल अच्छा होता है, मीन्स 93-94 से प्लस में होता है, उससे नीचे नहीं होता, क्योंकि 90 से अगर नीचे जाएगी तो वो क्रिटिकल में जा रही है, बट 93-94 से ऊपर है अगर तो वो ओके है। तो अगर वो वाला ब्लड होगा तो उसमें आपकी जो रेड लाइट इमिट्स होती है वो पास हो जाती है। उंगली लगाया आपने तो रेड लाइट जो इमिट होगी इसमें से उंगली में वो इमिट हो जाएगी, मतलब एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो पास हो जाएगी। और जो इन्फ्रारेड लाइट होती है वो पास नहीं हो पाती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है उंगली में ही, उंगली या ब्लड में कह लीजिए, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। इस चीज़ को सेंसर में जो लगा होता है इसमें, वो सेंस कर लेता है और बता देता है कि किस ब्लड में कितना परसेंट ऑक्सीजन लेवल है या नहीं है। और ठीक जो जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है इसमें ठीक उल्टा हो जाता है, उसमें रेड लाइट पास नहीं होती है और इन्फ्रारेड लाइट पास हो जाती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। चलिए बताते हैं किस तरह से काम करता है। ये बोलते हैं मैनुअल अंदर दिया हुआ है, ज़रूरत नहीं, मैं बता ही दूंगा सब कुछ। ये रहा, तो इसमें ये आपका पावर ऑन ऑफ बटन है, ये मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ऑन हो जाता है, ऐसे खुलता है इधर से। बहुत ही मेडिकल इक्विपमेंट है तो नाजुक होते हैं, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी होती है। यहाँ से देखिए लाइट देख रहे हैं आप, ये इमिट हो रही है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ये यहाँ पर बैटरी लगती है, ट्रिपल ए बैटरी, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, इसमें ट्रिपल ए लगी हुई है। अब ये हमने डाला, उंगली डाली और ये ऑन कर दिया। अब इसमें देखिए मेरा कितना लेवल आता है, ये देखिए 98% जो ऊपर का दिखा रहा है वो ऑक्सीजन है और 85 आपका पल्स रेट आ रहा है मेरा इस टाइम पे। तो ये SpO2 लेवल जो, ये ऑक्सीजन ही होता है, परसेंटेज में दिखा रहा है ये वाला, ये पल्स रेट पर मिनट की दी हुई है, या दिल की धड़कने भी कह सकते हैं या नब्स भी कह सकते हैं, सब कुछ एक ही है। बैटरी यहाँ पे इंडिकेट होती है कितना बैटरी बचा हुआ है, और ये PI दिया हुआ है परसेंटेज में, परफ्यूजन इंडेक्स रीडिंग बोलते हैं, मेनली ज़्यादातर डॉक्टरों के काम आती है। आजकल के जो पल्स ऑक्सीमीटर आ रहे हैं उसमें एक और रीडिंग बढ़ी हुई है, RR रेस्पिरेटरी रेट, कितने बार आप सांस लेते हैं वो भी आता है, बट इसमें नहीं है वो। तो 3-4 तरह की रीडिंग पल्स ऑक्सीमीटर में आती है, किसी किसी में ये सिर्फ 2 होती हैं, मेनली हम लोगों के लिए 2 ही जानने के लिए होती हैं, बाकी डॉक्टर्स ज़्यादा काम में आती हैं। तो देखिए मेरा 97 है, इसका मतलब आपका भाई ओके है, पल्स रेट भी सही चल रही है। और आप लाइट भी देख लीजिए, आपको ये देखिए, ये जो लाइट है इन्फ्रारेड जो लाइट होती है वो दिखती नहीं है, रेड कलर की जो लाइट है वो दिख रही है, ये देखिए इस तरह से ये आर पार जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ पल्स ऑक्सी के बारे में आपको सब समझ गए होंगे, जान गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक और चीज़ है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए कि कैसे चेक करते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर आपका सही से काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि ये काफ़ी एक्यूरेट भी होते हैं, अगर आपने अच्छे ब्रांड का लिया है तो गारंटी वारंटी साथ मिलती है इसमें। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कैसे चेक करते हैं कि यदि मैं उंगली निकाल दी फिंगर आउट लिख के आया। ठीक है, अब मैं इस पेंसिल को अंदर डालता हूँ, देखता हूँ सेंसर इसका जो लगा हुआ है वो डिटेक्ट कर पाता है या नहीं। अगर उसने रीडिंग बताई इट मीन्स वो जो है गड़बड़ है। ऑन करते हैं, ये देखिए ये रीडिंग नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये सही है, ये जिस चीज़ को डिटेक्ट करना चाहिए उसी को डिटेक्ट करता है। ये देखिए मैंने उंगली लगाई वापस से, और पूरा अंदर तक लगाना होता है जहाँ पे सेंसर की लाइट इसमें इंसर्ट होती है वहाँ तक। ये देखिए आ गई, ये अच्छे ब्रांड का है और अच्छे से काम भी करता है।
सबसे अच्छा तरीका यही होता है, किसी पेंसिल या पेन को डाल के देख लीजिए आप दिखाता है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो अगर और तो कमेंट कर लीजिएगा नीचे की तरफ, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम और बहुत सारी प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं नीचे, तो उनमें जाके आप फॉलो कर सकते हैं, कुछ पूछना तो वहाँ भी पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।